फ्रेंड चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये मैंने गैस ऑन कर ली है अपनी, और आप किसी भी फ्राई पैन में ये देखिए एक गिलास पानी लिया है मैंने, और इसको डाल दीजिए। और इसको अब आप गैस पूरी फुल कर दीजिए, ठीक है। अब आप में इसको अपने जो धनिया है बिल्कुल साफ करके अच्छे से धो लेना है उनको, और आप चाहें तो इसको काट के भी डाल सकते हैं, अदरवाइज बस आपको इसकी जड़ हटा देनी है इसमें से। और ये डालने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा चुटकी भर ये लेना है जीरा। जीरा जो होता है आपके पेट की सफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसमें हम लेंगे बस नाम के लिए ज़रा सा हींग। हींग आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैंने एवरेस्ट का हींग डाला है इसमें, बस अच्छा हींग होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है काला नमक, ये हम थोड़ा टेस्ट के लिए, और काला नमक पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। और इसको हमें इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। तो हम इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको अच्छे से उबाल आने पे हम फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनेगा। देखिए इसमें बहुत अच्छे से बॉईल ये हो गया है, और आप इसको और ज़्यादा बॉईल कर लीजिए ताकि जो सारा जो हमने इसमें चीज़ें मिक्स की हैं धनिया जीरा और हींग काला नमक उसका जो मिक्स है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपको ये एक अच्छी ड्रिंक प्राप्त हो। तो हम इसको थोड़ा और बॉईल कर लेते हैं, फिर हमारी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी जो ड्रिंक है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। आप कैसे पता करेंगे, जैसे ही आपने एक गिलास पानी रखा है तो आपका पानी आधा गिलास हो जाए, तो ये हमारी ड्रिंक बनकर रेडी है। और ये देखिए, तो अब हम इसको छान लेते हैं। आप छन्नी से या कॉटन के कपड़े से इसको छान लीजिए। जो ये इसमें चीज़ें बचती हैं आप इनको दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है इसको पीने का। तो ये देखिए हमारी ड्रिंक बनके तैयार हो गई है। ये हमारी ड्रिंक बनकर तैयार हो गई है, और आप इसको पहले मैं बता दूँ कैसे पीना है आपको इसको। दोपहर के टाइम पीना है, आप इसको सुबह भी पी सकते हैं, खाली पेट भी पी सकते हैं, दोपहर के टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको पियेंगे तो। दोपहर के समय आप इस ड्रिंक को पीजिए, और आप चाहें इसमें नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा और नमक ऐड कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इसको पीजिए, ये आपके पेट के लिए बहुत 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 फ़ायदा करेगा, आपकी किडनी की सफाई करेगा, पेट में जो दिक्कतें हो गई हैं उनमें यानी कि विषैले पदार्थ हो गए हैं उनको रिमूव करने में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको इसको लेना चाहिए अपने लिए ज़रूर। और इसको ये नहीं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खा है, तो आप इसको ईजिली ले सकते हैं, और मतलब बड़े बूढ़े कोई भी ले सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपका पेट फूल रहा है, आपके पेट में कोई दिक्कत हो रही है, आपका पेट जैसे कि कभी कभी हम बाहर से खाना खा के आते हैं ओवर ईटिंग हो जाता है तो पेट बहुत भारी लगता है, तो आपको उसको इस ड्रिंक को बनाकर पीना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो इस तरीके से आप इसको पी सकते हैं, और रियली में तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा तभी आपका पेट वगैरह सब ठीक हो पाएगा। तो आप इस ड्रिंक को लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो।